अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सिविल जज की सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं और इनका नवंबर में पेपर है। तो आज हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि मैं एज ए इंग्लिश टीचर आपको जो पास्ट पेपर हैं सिविल जज के, उनको मैं सॉल्व करने का एक बड़ा इफ़ेक्टिव वे बताऊंगा। तो जो जो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है वो है इंग्लिश एसे राइटिंग स्किल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आई एम मिर्ज़ा मोहम्मद सलीम, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस एंड आई एम टीचिंग दीज कंपेटिटिव क्लासेस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो आज हमने जो सिविल जज का पेपर चूज़ किया है वो है 2017 का, और इसमें जो टॉपिक है एसे का जो टॉपिक है वो है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो भाई, आप एज ए स्टूडेंट्स काइंडली अपनी कॉपी पेंसिल पास रखें, मैं आपको स्किल्स भी बताऊंगा, टेक्निक्स भी बताऊंगा, इसकी आउटलाइन कैसे डेवलप करते हैं, इसकी ओपनिंग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप वन टू वन काइंडली साथ साथ आप लिखते जाएं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपका जो पेपर है वो 150 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें आपने टाइम डिवीजन ये करनी है कि पहले 2 घंटे में आपने अपने जो अदर कंटेंट्स हैं उसमें प्रेसी, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारा जो पोर्शन है ये आपने सॉल्व करना है विद इन 2 आवर्स। काइंडली आप टाइम मैनेजमेंट आप लिख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन अरेंजिंग योर पेपर कंटेंट्स। फाइन, अच्छा, आपने क्या किया है कि 2 घंटे में आपने पेपर सॉल्व किया, 1 घंटा या कोशिश करें कि कोई 10 मिनट्स मज़ीद के आपके पास 70 मिनट्स हों, क्योंकि ये 50 मार्क्स का है। तो आप 1 घंटा या उससे भी 10 मिनट्स ऊपर ऐसे को आपने सॉल्व करना है, और आप कोशिश करें कि 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखें, क्योंकि इसके ना 50 मार्क्स हैं आपके, और ये बन जाएंगे तकरीबन 5 लीव्स और 10 पेजेस। ओके, ये आपने काम करना है। तो आज का जो टॉपिक है ये 2017 में से है, आप लिखें अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अच्छा, अब इसका एक फार्मूला है, फार्मूला आपको मैं बताता जाऊं कि कोई भी स्टेटमेंट जो इस टाइप की हो जिसमें कोई प्रोवर्ब है, कोई किसी की अच्छी सी कोट दी हुई है, तो उसको सॉल्व करने का एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा सपोर्टिव वे है। सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मींस, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं अक्सर स्टूडेंट्स उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं, जो कि ओपनिंग में ही बड़ा बैड इंप्रेशन बन जाता है। तो आपने सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट और डायरेक्ट ओपनिंग देनी है, मीनिंग्स लिखने हैं। ओके, उसके बाद जब आपने इसकी आउटलाइन बनानी है तो मीनिंग्स के बाद, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आउटलाइन डेवलप कैसे करनी है। आज जो टॉपिक है वो यही है कि आउटलाइन कैसे इसकी बनानी है। मीनिंग के बाद आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये है, कोई भी स्टेटमेंट है, हाउ एंड वाई, ये आपने इस पे जब अप्लाई करते हो तो आपको खुद ब खुद इसके मीनिंग्स का पता चलता जाएगा, आप इसको एक्सप्लेन करते जाओगे हाउ एंड वाई। उसके बाद जो आपने मेन हेडिंग देनी है आउट लाइन में वो आएंगी एग्जाम्पल्स, ओके, एविडेंस। उसके बाद आपने देनी है सजेशंस, सजेशंस के बाद देने हैं कंक्लूजन। तो मैंने जो आपको ना फार्मूला बताया, मैं उसको जरा तो ब्रीफ कर दूं, कोई भी कहावत आ जाए, प्रोवर्ब है, अच्छी सी कोट है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने देने हैं मीनिंग्स, उसके बाद देनी है वाई एंड हाउ, उसके बाद आपने देनी है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के बाद आप देंगे सजेशंस, और सजेशंस के बाद देंगे कंक्लूजन।
दैट इज़ द फार्मूला। अब हमने यही फार्मूला इस टॉपिक पे अप्लाई करना है, और ये टॉपिक है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ओके, तो आउटलाइन में आप आउटलाइन लिखने की बजाय मार्कर से लिखो सिनॉप्सिस, कुछ अच्छी सी वोकैबुलरी या आप दें, ठीक है, मार्कर से आप लिखें सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस मींस समरी, ठीक है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन की बजाय आप लोग लिखो प्रोलॉग, इसके भी मीनिंग्स सेम है लेकिन ये एक अच्छा है ये, तो आप इसको ना आप लिखें जी प्रोलॉग। ओके, जब आपने प्रोलॉग के नीचे सब पॉइंट देना है, प्रोलॉग के नीचे सब पॉइंट है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक, ये सब पे अप्लाई कर सकते हो, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक। इसी का सब पॉइंट है इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो हम बात करते जा रहे हैं जी प्रोलॉग के मेन दो सब पॉइंट्स हमने लिखे हैं। उसके बाद आउटलाइन में मेन हेडिंग है अकॉर्डिंग टू आवर सेट फार्मूला, व्हाई अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये अपने आप से पूछें, आपको खुद ब खुद आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला एक आर्गुमेंट है वो ये है, आप लिखें अ सिंसियर फ्रेंड बिलीव्स इन टोटल लव। इसका क्या मतलब है? टोटल लव का मतलब होता है कि वो बंदा जो आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करता है, स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करता है, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको वो इग्नोर करता है या बड़े सॉफ्टली आपको गाइड करता है। ही इज़ अ सिंसियर फ्रेंड, ये है सब हेडिंग वन। सब हेडिंग इसी की है, अ रियल फ्रेंड इज नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट, वो मौका प्रस्त नहीं होता, वो इस मतलब के टारगेट में नहीं है कि वो आपसे फ़ायदा उठाए, आपसे वो मैक्सिमम बेनिफिट्स ले, इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट। इसी का सब पॉइंट है, टफ टाइम डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ सेल्फिश एंड अ सिंपथेटिक फ्रेंड। जब टफ टाइम आता है तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि सिंसियर फ्रेंड आपके पास आते हैं और सेल्फिश फ्रेंड आपसे दूर जाते हैं। वो कहते हैं ना, वॉर में आपका जो अच्छा ना दोस्त है वो एक शील्ड की तरह होता है, वॉर में वो एक शील्ड की तो तरह है, जब पीस टाइम है तो वो शील्ड आपने पीछे है, लेकिन जब वो फाइटिंग टाइम है तो वो शील्ड आपके सामने है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू एग्जाम्पलीफाई दिस कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद क्या है जी, सब पॉइंट है, अ हेल्पफुल फ्रेंड एलिमिनेट्स फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। जब बंदा टफ टाइम में होता है तो सबसे पहले उसको डिप्रेशन आती है, सेंस ऑफ लोनलीनेस होता है, तो आपका जो सिंसियर जो फ्रेंड है वो आपके साथ एक सिंपथेटिक बिहेवियर देता है, वो आपको सिंपथाइज करता है, वो आपको पेसिफाई करता है, वो आपको इनकरेज करता है, वो आपके अंदर जो एक हेस्ट डेवलप होती है, रेस्टलेसनेस डेवलप होती है, उसको वो कूल डाउन करता है बाय हिज वर्ड्स एंड बाय हिज एक्शंस। That is why he is a good friend. उसके बाद अभी इसी का सब पॉइंट है, A loyal friend does not love your status or wealth. अब देखिए मैंने वोकैबुलरी चेंज की है, sincere friend, a real friend, helpful friend, a true friend. तो वोकैबुलरी भी चेंज करें, adjectives भी चेंज करें, ये ना हो कि आप एक ही ऑब्जेक्टिव को पूरे पेज पे लेके चलें और एग्जामिनर ये फील करे कि इसके पास तो वोकैबुलरी बहुत कम है, यूं नहीं करना जी। ये हमने
अपनी आउटलाइन का पॉइंट नंबर टू कवर कर लिया है, आपके पास मजीद पॉइंट्स होंगे, प्लीज आपने मजीद पॉइंट्स ऐड करने हैं। और ये आप याद रखें कि कोशिश करें कि आपकी आउटलाइन एक सिंगल पेज की हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो ये कोशिश करें, अगर हो सके तो डेढ़ पेज तक चली जाए, डेढ़ पेज भी ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, ये थे आपने आर्गुमेंट्स दिए, अब इसी को आपने जस्टिफाई करना है और हेडिंग देनी है आपने आउटलाइन में मार्कर के साथ, आ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, जो अभी आपने बातें की हैं इनको सपोर्ट करना भी, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि आपके पास, वो भी मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि एग्जांपल्स कैसे फिट करते हैं, अभी वेरी सिंपल फार्मूला। एग्जांपल्स यूं करते हैं, एग्जांपल यू मे टेक फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री, ओके, नॉलेज फ्रॉम हदीस एंड कुरान, क्योंकि ये आपने 100 मार्क्स का पेपर पढ़ा होता है और आपके पास काफ़ी सपोर्टिव डाटा आता है। उसके साथ साथ आप हिस्ट्री से एग्जांपल्स ले लें, उसमें आ जाएंगे वॉरियर्स, साइंटिस्ट, यूरोपियन हिस्ट्री, इंडो पाक, क्योंकि ये चीज़ें आपने वन टू वन पढ़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर एग्जांपल्स तो करनी है तो पाकिस्तान मूवमेंट में से पिक करें, क्योंकि वो भी आपने पढ़ा है, और आपको बहुत सारी सीरीज ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगी वहाँ से। उसके बाद आप आजिए टू डेज वर्ल्ड, मींस के जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े, उसके बाद आजिए टू डेज पाकिस्तान पे, ठीक है ना। और चूंकि ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत सपोर्टिव वे में मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं जी इस ऐसे पे, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो भाई आपके साथ बहुत अच्छी एक एग्जांपल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर की, कि किस तरह उन्होंने आपका साथ दिया, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने, गनी ने, हज़रत अली ने। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और इस पे तो आपका शायद पूरा एक पेज आप लिख दोगे कि ये एक कितनी कंस्ट्रक्टिव रेफरेंस दिया आपने। ओके जी, उसके बाद जब जो मैंने फार्मूला बताया था, उसके बाद आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो टीपू सुल्तान को उसके मिनिस्टर्स ने नीड के वक्त छोड़ दिया था, मुतसिम बिल्ला जब हलाकू खान ने बगदाद पे अटैक किया था तो उसके मिनिस्टर ने उसको मुश्किल के वक्त छोड़ दिया था। तो ये भी एक एग्जांपल है। उसके बाद अगर आप आ जाए सब कॉन्टिनेंट में तो सर सैयद अहमद खान, व्हेन देयर वाज अ टफ टाइम आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, सर सैयद अहमद खान गेव हिज बेस्ट, encouraged the depressed Muslims of the subcontinent. He infused a new spirit, a valor. और ये हमारे दोस्त हैं जिन्ना, जिन्होंने मतलब के हिंदू एट्रोसिटीज देखी इन 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में, ठीक है। अलामा इकबाल, दे आर द रियल फ्रेंड्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है ना। अब आप देखते हो कि हमने कितनी खूबसूरती से एग्जांपल्स को एडजस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाए टूडेज वर्ल्ड में, चाइना इज ए टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। जब 71 की वॉर में, 65 में यूएस डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, तो फिर भी चाइना ने सपोर्ट किया, ईरान ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को इन द पास्ट। ओके, तो ये हम इसकी बहुत अच्छी मिसाल, इसी तरह आप मजीद सर्च कर लें तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो ठीक हो गया, तो
तो ये था अ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, और इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है एग्जाम्पल्स एविडेंस, या आप लिख लें। अब आ गया जी तीसरा पॉइंट जो हमारे फार्मूले का होता है, वो आप लिखे सजेशंस। इसमें है व्हाट मेक्स अ गुड फ्रेंड, हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड, सजेशंस। तो भी इसका जो सब पॉइंट है वो है बी ट्रस्टवर्दी। अगर आप अच्छा दोस्त बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस यूं आप रिस्टोर करें कि आपका दोस्त आप पे बिलीव करे, अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करे, वो जब आपसे बात करे तो उसको हो कि ये मुझे ही लिसन्स टू मी, ही विल फाइंड वेज टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ओके, द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जी रिस्पेक्ट द ड्रीम्स ऑफ योर फ्रेंड। वो आपसे अपने आइडियाज शेयर करता है, आपको अपना फ्यूचर प्लान बताना चाहता है, वो बताना चाहता है कि उसके अंदर कितनी एम्बिशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स उसको बड़ा इनकरेज करते हैं, वो बड़ा खुश होता है। तो इस तरह आप उसके अच्छे दोस्त बन सकते हैं जी। तो अगर आप अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं तो डोंट स्पीक हॉलो वर्ड्स बट प्रूव योर फ्रेंडशिप विद एक्शंस। बातों के तो बहुत दोस्त हैं लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो उसके साथ आप एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव अपना बिहेवियर शो करें कि वो आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करें। ठीक है जी, इसके बाद कुछ मज़ीद भी सजेशंस होंगी। उसके बाद आ गया जी हमारे फार्मूले का आखिरी फेज कंक्लूजन। ठीक है, वो आप लिखोगे। तो अब हमने ऐसे स्टार्ट करना है। तो भी जब आपने ऐसे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने इस टॉपिक को डिफाइन करना है। तो जैसे मैंने आपसे बात की थी तो आप या तो किसी अच्छी सी कोई कोट लिखें जिसमें फ्रेंडशिप को बहुत स्ट्राइकिंग वे में डिफाइन किया हो, और जब आप इसके मीनिंग्स लिखेंगे तो आप लिखें प्लीज़ द गिवन फ्रेज मीन्स दैट अ ट्रू फ्रेंड इज द वन हु हेल्प्स समवन एट अ टाइम ऑफ नीड। The friend who offers sincere help during hot waters passes this test। तो ये बड़ी सिंपल सी हमने इसकी लिखी है जी, डेफिनेशन लिखी हमने। अच्छा, अगर आप करना चाहते हो तो ओपनिंग पैरा में एक छोटी सी समरी लिखें, लेकिन वो बड़ी आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में हो, कोहेरेंट हो, उसमें आपने अपनी ओपिनियन को डेवलप किया हो। तो वो एक हाफ पेज का थीसिस स्टेटमेंट लिखने ओपनिंग लिखें, उसमें आपने उस पॉइंट को साबित करें। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या जी करना है कि आउटलाइन को सपोर्ट करना है, डिफाइन करना है आउटलाइन को। अब आपने डेवलप करना, अब आप कोशिश करोगे कि एक एक पैरा में एक एक मेन पॉइंट एक्सप्लेन करो, एक पेज पे कम से कम दो या तीन पैराज हों, एक पैरा में आर्गुमेंट हो, लॉजिक हो, रीजनिंग हो, फैक्ट्स एंड फिगर हो, कोई अच्छी सी कोट भी लिख दें, रेफरेंस भी लिखें, लेकिन वो बहुत टू द पॉइंट हो, इंग्लिश की कोई मिस्टेक ना हो, ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो। और जब आप ये आप लिखेंगे तो आप सबसे पहले एक एक सेंटेंस लिखेंगे, हाउ डज वी कैन हैव अ गुड फ्रेंड, फिर उसके नीचे उसके आ जाएंगे पैराग्राफ्स। इसी तरह आप लिखोगे अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रिवील्स दैट अ सिंसियर टू फ्रेंड डज नॉट लीव यू इन लर्च, कि वो आपको मुसीबत में नहीं छोड़ता।
हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को मार्कर से अंडरलाइन कर दें। आप एक एक पैरा तो पकड़े, उस एक एक में एक एविडेंस दें, अगर आपके पास एविडेंस ज़्यादा है तो एक पैरा में दो या तीन एविडेंस दे दें। तो पैराज मैं बता रहा हूँ कि एक पेज पे दो या तीन हो, उसके बाद आप ने जो मेन आपने सेंटेंस लिखना है कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट कैन मेक अ पर्सन अ लॉयल फ्रेंड। तो एक पैरा में कि वो आपको सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, तो ये आप पैराज में लिखेंगे। ओके, उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ जब जाएंगे तो कंक्लूजन में मेन पॉइंट को ही रिपीट करते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आपके पास एक दो पेज के पास कोई अच्छी सी कोट आप लिखें। टाइम लिमिट को आप देखेंगे, इंग्लिश का स्टैंडर्ड ठीक हो, ना तो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों, ना बहुत ही सिंपल हों, अंडरस्टैंडेबल हो, कन्विंसिंग हो। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो ये मैंने एक ऐसे ना सॉल्व किया है, अगर आप काइंडली इस ऐसे को लिख के चेक कराना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस लिखें slim.toppers@gmail.com slim.toppers@gmail.com। जैसा कि आपको पता है कि आज 15 जून 2020 है, तो ये COVID-19 का टाइम है। अल्लाह ताला सब पे करम करे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो देखिए, ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन आपका ऑप्टिमिस्टिक व्यू तो ये है कि अब आपके पास मैक्सिमम टाइम है घर में बैठ के पढ़ने का। इसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, इस पे आप फोकस करें, क्योंकि नवंबर में आपके पेपर हैं। आप अपना एक टाइम लिमिट बनाएं कि मैंने लॉ के पेपर इस टाइम पे ना कवर करने हैं, इंग्लिश का पेपर मैंने यूं करना है। तो पूरा आप अभी क्या है जी, जून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सपोज आपके पास 4.5 मंथ्स हैं, तो अपना एक मैप बनाओ कि ये 3 माह या 2 माह मेरे तो लॉ के पेपर हैं, 1 माह और साथ साथ इंग्लिश आप डेली बेस पे करो। ठीक है, उसके साथ आप उर्दू की प्रैक्टिस करें, जीके की प्रैक्टिस करें, और जो भी पेपर आप याद करें तो उसके अपने साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, ताकि जब पेपर पास आए तो उनको आप बहुत अच्छे वे से रिपीट कर सको। तो भी ये एक बात है, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट में मज़ीद ऐसे का पेपर सॉल्व करूँगा। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, आपकी फैमिली को सेहतमंद रखे, और ये मुश्किल वक़्त भी ख़त्म हो, और अल्लाह ताला आपको ना बहुत कामयाबी दे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।